हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने अर्निंग ऐप ट्यूटोरियल को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने देख लिया था कि अपने पेपर सेट्स हमने बना लिए थे, और मैं जेनिमोशन को स्टार्ट कर लेता हूं ताकि उस समय टाइम ना लगे। ये जब तक स्टार्ट हो रहा है तब तक हम लोग आगे की सेटिंग्स करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम बंद कर देते हैं, जेनिमोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पे देखिए एक पेपर सेट बना लिया था और ये हमारा लिस्ट व्यू था। अभी हमें यहाँ पे एक लिस्ट व्यू लिस्टनर बनाना है, लिस्ट व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर, देन यहाँ पे कर दीजिए न्यू ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर। तो अभी ये एक हमें लिस्टनर मिल गया है जहां पे क्लिक करके हम दूसरे पेज पे जा सकते हैं। अब वहां पे हमको क्या बनाना होगा, एक पेपर सेट। ये हमने कुछ कोड रखे थे, यहाँ से मैं ये वाला कोड यूज करूंगा नेक्स्ट पेज पे या नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाने के लिए। ये सिंपली एक इंटेंट है, वेट अ सेकंड, ये सिंपल एक इंटेंट है और न्यू इंटेंट लिया। और अब हम लोग देखेंगे कि क्विज क्वेश्चंस का टाइप क्या होगा। जैसे हमारे पास क्विज के पेपर सेट हमने बनाए थे, क्विज 1 2 3, ऐसे हम लोग उसके टाइप्स भी बनाएंगे। और यहाँ पे हमने दिया आईडी, वैल्यू और पोजीशन, क्वेश्चंस डॉट पोजीशन। ठीक है, पोजीशन हमको यहां से मिल जाएगी, पोजीशन, ये जो पोजीशन है इसको हम यहां से दे देते हैं, ये हो गया। देन कैटेगरी आईडी और वैल्यू निकालना है तो वो भी हम निकाल सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू। इस चीज को आपको मैं अभी और तरीके से बताता हूँ कि और क्या कर सकते हैं आप। यहाँ पे एक वैल्यू ले लिया है ना, और वैल्यू कहाँ से निकाला, अपने लिस्ट व्यू से, लिस्ट व्यू सेट गेट आइटम एट पोजीशन, उस पोजीशन से एक वैल्यू ले ली जो कि होगी क्विज आईडी। हम डायरेक्टली यहाँ आईडी जो हमारे यहाँ पे हम लोगों ने एरे बना रखा है ना, ये इसी में तो आईडी होगी, तो इस चीज को भी यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज कर सकते थे। लाइक ये पोजीशन, आप ऐसे भी आईडी निकाल सकते हो, या इस मेथड से भी आप एक वैल्यू में भी लेके और यहाँ पे आप अपनी क्विज आईडी ले सकते हैं। अब यहाँ पे कैटेगरी आईडी है, कैटेगरी आईडी मतलब कि हमें कहाँ पे मिल रहा होगा, कैटेगरी आईडी या कैटेगरी ही ले लें, ये जो हमारी कैटेगरी है मैं चाहता हूँ ये हमारा आगे मूव ऑन हो अगले पेज पे भी। तो हम लोगों ने यहाँ से ये कैटेगरी भी ले लिया और क्विज आईडी ले लिया। देखो यहाँ पे तो क्वेश्चंस मिल जाएंगे हमें, कैटेगरी की जगह हम लोग सब कैटेगरी को ले चलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन वगैरह को वहां पे डिस्प्ले कराएंगे नेक्स्ट पेज पे। तो वेट अ सेकंड, हमने यहाँ पे आईडी में सब कैटेगरी डाल दिया और यहाँ पे हमको क्विज आईडी मिल जाएगी कि कौन सा क्विज जा रहा है, यहाँ पे पेपर सेट मिल जाएगा और यहाँ पे क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन है वो मिलेंगे। ठीक है, एक और चीज चाहिए होगी आई थिंक, इसको आईडी वगैरह लिखने के बजाय हम कैटेगरी और सब कैटेगरी लेते चलें, है ना। जैसे कि एक हमें कैटेगरी चाहिए कि किस कैटेगरी का क्वेश्चन है, उसको हम कैटेगरी फोल्ड नाम से बना लें, और एक सब कैटेगरी चाहिए उसको सब कैटेगरी से बना लें। और क्विज आईडी में हमारी आईडी मिल जाएगी, पेपर में कितने, कौन सा पेपर सेट है ये जा रहा है, और क्वेश्चंस कितने हैं उस पेपर में वो जा रहा है, बस सफिशियंट है। इस चीज को लेके हम लोग अपना क्वेश्चन क्विज क्वेश्चन टाइप, अभी मैं बताता हूँ, क्विज क्वेश्चन टाइप आप चाहे बनाए या डायरेक्ट भी मूव ऑन कर सकते हैं एग्जाम वाले सेक्शन पे, बट ये आपको बताएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन हम दे रहे हैं। लाइक इमेज वाले क्वेश्चन हैं तो हमारा यूजर जो है वो सेलेक्ट कर सकता है, वो टेक्स्ट क्वेश्चन दे सकता है या इमेज वाले क्वेश्चन के थ्रू वो एग्जाम देना चाहता है।
यहाँ पे न्यू पे आएंगे और एक और एक्टिविटी बना लेंगे, गणपति एक्टिविटी ले लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं क्विज क्वेश्चन टाइप, ठीक है। और ये अभी क्रिएट हो रहा है, तो तक हम लोग इसकी डिजाइन के पार्ट पे आते हैं और डिजाइन देखते हैं कि इसकी डिजाइन हम कैसे रख सकते हैं। तो रिलेटिव लेआउट एक ले लेंगे यहाँ पे भी, एक रिलेटिव लेआउट ले गया। और ये हमारा क्वेश्चन ये भी क्रिएट हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं, अपने इसको डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए मैं, ये हमारा एनिमेशन भी स्टार्ट है, डोंट वरी, यूज करेंगे। अभी हम इसके डिजाइन को देखते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ डिजाइन बना रखी है, तो सिंपली इसके हाइट को मैच पैरेंट मैच पैरेंट, एक बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से दे रहे हैं। तो हम इसके डिजाइन पार्ट पे आते हैं और एक बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं जो कि अपने पास बना हुआ नहीं है, बट कोई बात नहीं, अभी के लिए छोड़ते हैं। अगर जरूरत फील हुई तो बैकग्राउंड कलर भी दे देंगे, ठीक है। फिलहाल बाकी के कोड देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे हम एक स्क्रॉल व्यू ले रहे हैं ताकि अगर हमारा कंटेंट बड़ा होता है तो हम उसको स्क्रॉल कर सकें, ठीक है। तो हमने एक रिलेटिव लेआउट स्क्रॉल व्यू ले लिया और ये चीज हटा देते हैं। सिंपल स्क्रॉल व्यू लिया, आईडी ले लिया उसका, एक क्वेश्चंस नाम से एक स्क्रॉल व्यू है और यहाँ पे मैच पैरेंट उसकी भी तो हाइट है। अब आप जानते हैं कि स्क्रॉल व्यू लिए हैं तो हमें एक लेआउट लेना पड़ेगा, जो कि क्योंकि स्क्रॉल व्यू हमेशा सिंगल लेआउट को सपोर्ट करता है, तो हमने एक लीनियर लेआउट लिया जिसका ओरिएंटेशन वर्टिकल कर दिया, विड्थ हाइट मैच पैरेंट कर दी और मार्जिन ले लिया है 30 dp का। इसके बाद अब हम इसमें अपने बाकी के कोड्स करते जाएंगे, फिर देखते हैं। तो एक यहाँ पे हम एनिमेशन ले रहे हैं ऊपर लॉटिफाई का, और आई थिंक ये चलेगा कि नहीं, नहीं चलता है तो हम, यस, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क्स नाम का एक लॉटिफाई आइकन मैं भी रखा हूँ अपने दूसरे प्रोजेक्ट से, वहां से लेके इसमें डाल दूंगा। बाकी के कोड करते हैं। आप एनिमेशन लॉटिफाई का मैंने आपको लगाना बताया है, तो आप डोंट वरी, आप इसको यूज करें। फिर से मैं एक कार्ड व्यू ले रहा हूँ ऊपर यहाँ पे, आप देखिए एक यहाँ पे कार्ड व्यू जनरेट हुआ। ऑन क्लिक इवेंट बनाया, जैसे कि आप किस टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पे हम दे रहे हैं कि टेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, इसको मैं अल्ट इंटर करके क्रिएट कर दे रहा हूँ। ये क्या है, सो क्वेश्चन एक फंक्शन होगा जो कि आपके बैकएंड में यहाँ पे क्वेश्चन टाइप पे इवेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इसको आप क्रिएट कर सकते हैं मैनुअल या अल्ट इंटर करके भी। यहाँ पे देखिए सो क्वेश्चन या एड क्रिएट ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर, मेन पेज पे नहीं यहाँ पे करना है। तो देखिए इस तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन, एक मेथड क्रिएट हो जाएगा जिसपे क्लिक होने के बाद यही मेथड हमारा फायर होगा और यहाँ से एरर चली जाएगी। इसपे बहुत ज्यादा कुछ नहीं, एक कार्ड को डिजाइन किया है हमने, कुछ बैकग्राउंड कलर लगा के मार्जिन लेके, है ना। ये चीजें आप समझ रहे होंगे, इस पे बहुत ज्यादा आपको टाइम देने की जरूरत है, डिजाइनिंग पार्ट है। आप इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा चीजें। देन यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू में भी सिंपली हमने इसका क्या कर दिया, मार्जिन लिया है, लेफ्ट राइट विड्थ हाइट और ग्रेविटी इसकी सेंटर कर दी। देन टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड है, ड्रावर लेफ्ट जो ये आइकन है ना, इस आइकन को हमने एज ए ड्रावर यहाँ पे डाला है, टेक्स्ट कलर व्हाइट कर दिया और ये टेक्स्ट है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग 10 20 जो भी करना चाहें कर सकते हैं।
वैसे ये भी डायनेमिकली आप अपडेट करेंगे, ठीक है। तो इस वाले कार्ड का काम तो हो गया। इसी तरीके से हमने तीन और कार्ड बना रखे होंगे, क्योंकि हम तीन टाइप का क्वेश्चन सेट बनाने जा रहे हैं, तो मैं इन दोनों को भी कॉपी ही कर लेता हूं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए दो और इसमें इमेज नहीं है, वो भी हम लाएंगे अभी, डोंट वरी। तो अब आप देखिए यहाँ पे एक टेक्स्ट क्विज क्वेश्चन हो गया, इमेज क्वेश्चन हो गया, और मिक्स्ड क्वेश्चन, मिक्स में दोनों आएंगे, इमेज और टेक्स्ट आप इस तरह से कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो आइकन लगना है इसका आप चाहे तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, ड्रावर लेफ्ट है, और अगर आप टिंट कलर करेंगे ना, टिंट ड्रावर ट्रिंट, तो यहां से आप व्हाइट सेलेक्ट करें तो देखिए इसका भी कलर व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा है इमेज क्वेश्चन, इमेज में ये वाला हमें एक आइकन ऐड करना पड़ेगा। तो न्यू पे आते हैं, वेक्टर असिस्ट, और वेट अ सेकंड, यहां से आप टूल यूज करके कोई भी टाइप का लोड हो रहा है, ठीक है। ये आइकन्स आ गए, यहाँ पे हम इमेज सेलेक्ट करते हैं, इमेज कोई भी कोई सा भी ये वाला ले लेते हैं, इसका नेम दे देते हैं इमेज, नेक्स्ट फिनिश। तो आप देखिए ये भी आ गया, और इसमें हमने टिंट नहीं दिया क्योंकि हमारा इमेज का आइकन का ही कलर ही वाइट था, तो यहाँ पे अलग से हमें कलर देने की जरूरत नहीं है। और अगर आप चाहें तो यहाँ से भी टिल्ट कलर देके आप इसका कलर अपडेट कर सकते हैं। देन आ जाते हैं मिक्स्ड वाले में भी, आइकन की एक रिक्वायरमेंट है, जैसे ये शटर करके कुछ है, और आई थिंक मुझे यहाँ पे मिल जाना चाहिए अपने वेक्टर असिस्ट में, जब हम ये ओपन करते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है मिक्स्ड टाइप का, तो इसको लगा देते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग आइकन लगा सकते हैं, हमने रीनेम नहीं किया था। तो आइए अब हमको यहाँ पे आके ड्रावर में आके ये वाला है इसको रीनेम करना पड़ेगा, या डायरेक्ट उसी आइकन को लिख सकते हैं, बट मैं रीफैक्टर रीनेम कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये रीनेम करना भी आ जाए। तो आप देखिए ये सही हो गया, और यहाँ पे भी अपना आइकन परफेक्टली आ चुका है। तो इस तरह से तीन हमारे क्वेश्चंस हो गए। एक यहाँ पे एनिमेशन लगना है, तो एनिमेशन में देख लेता हूँ कि क्या है क्वेश्चन मार्क्स। ये हमको रॉ फील्ड में जो हमारा यहाँ पे फोल्डर होता है ना रॉ, इसमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे हमने ये बहुत सारी जेसन फाइल डाली है लॉटिफाई से डाउनलोड करके, तो इसको भी हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी कहीं रखा होगा, मैं उसको देख के इस पे ऐड कर दे रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग एनिमेशन को जाके डाउनलोड कर लीजिएगा लॉटिफाई की वेबसाइट से। तो मेरा जावा के प्रोजेक्ट में कहीं पे होना चाहिए, मैं देख ले रहा हूँ फटाफट। कौन सी फाइल है? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क ये है। तो ये आपको जेसन फाइल में मिलेगा, आप वहां पे जाके डाउनलोड कर ले अपने अकॉर्डिंग एनिमेशन, कम ज्यादा जैसा भी लगाना चाहिए। मैंने एक एनिमेशन रख दिया है, अभी मैं इसको रन करा के दिखाऊंगा। और देखिए अभी ये हमारा एरर जो भी था वो चला गया है, और हमारी ये फाइल भी रेडी है। अगर हम यहाँ पे पेपर सेट से आते हैं और किसी कैटेगरी पे क्लिक करते हैं, तो अभी हम इनका यूज नहीं कर रहे हैं, अभी आके एक बार टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा ये डिजाइन पार्ट अच्छे से काम कर रहा है, तो फिर हम लोग आगे की कोडिंग इस पे करेंगे। तो ठीक है, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है यहाँ से, तब तक कुछ इधर पे कोड बनाते हैं।
और क्या मैंने कुछ रखा है, एक कुछ स्ट्रिंग ले लिए हैं। चलो ठीक है, इस तरह से इनका हम यूज करेंगे जो हमारे उस पेपर सेट वाले एक्टिविटी से डेटा आ रहा है, पहले उनको रिसीव करते हैं। रिसीव करने के लिए आप जानते हैं कि इन फील्ड्स को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। तो पेपर सेट सब कैटेगरी है ना, क्विज आईडी की कौन सा क्विज हम चला रहे हैं, और पेपर, फिर से पेपर, और आई थिंक एक और है तो वो भी ले लेते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है, तो इन चीजों को हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग में स्टोर करते हैं, स्ट्रिंग ले लेते हैं और वहां पे इसको स्टोर भी करते चलते हैं। जैसे पेपर है तो पेपर और कॉमा करके, यहाँ पे पेपर कॉमा क्विज आईडी, तो क्विज आईडी कॉमा सब कैटेगरी कैटेगरी, और यहाँ पे भी कैटेगरी। तो इतनी चीजें हो गई हैं। आइए, ये हमारा रन कर चुका है। और अगर हम यहाँ पे आते हैं सिनेमा पे, तो हमारे ये ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं। मैं बॉलीवुड पे क्लिक करता हूँ, ये हमारे क्विज सेट ओपन हो गए, क्विज 1 2 3 4। ठीक है, फिर अगर हम इन पे कहीं भी क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारा ये एनिमेशन आ गया जो मैंने लगाया था। आप इसकी जगह अपना कोई भी और एनिमेशन लगा सकते हैं लॉटी फाइल से जाके। और यहाँ से अब हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे जैसे 10 10 10, इन चीजों को भी हम अपडेट कर सकते हैं कि यहाँ पे कितने क्वेश्चंस होंगे वो उतने ही लिखे होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 20 10 गलत हो गया ना, तो इस चीज को भी हम, हमारा कहाँ पे आएगा, क्वेश्चंस में आएगा कि कितने क्वेश्चन है, इस चीज को हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें पहले तो अपने टेक्स्ट फाइल को कॉल करना पड़ेगा, जो ये हमारी टेक्स्ट है, टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो इसको हमें अपने टेक्स्ट फाइल में एज अ टेक्स्ट व्यू इक्वल टू टेक्स्ट व्यू फाइंड बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट टेक्स्ट व्यू। इस तरह से हमें अपने तीनों टेक्स्ट फाइल को कॉल करना पड़ेगा, देन उन पे अपडेट भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने कर दिया। और अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डॉट सेट टेक्स्ट, और इसके अंदर स्ट्रिंग प्लस क्या, प्लस क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसा रहेगा, और प्लस स्ट्रिंग, ऐसे हमने आई थिंक बनाया है। जो यहाँ पे है ना, वही चीज, यहाँ पे यही चीज लेंगे, बस इसके बीच में क्या करना है, टेक्स्ट क्वेश्चंस को अपडेट करना है ना। तो ये यहाँ पे रख दिया, ऐसा आएगा तो अपडेट हो जाएगा। तीनों ले लेते हैं, तो यहाँ पे इमेज क्वेश्चन आ जाएगा, और यहाँ पे सॉरी इमेज क्वेश्चन आ जाएगा, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। बस हमें इस चीज को अपडेट करना है, तो उसके लिए ये टेक्स्ट है हमारा इमेज क्वेश्चन, फिर हमने क्या बनाया है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, गुड। अब क्या है कि हमारे, जब मैं अभी आपको इसको री रन करके दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये है, ये अपने आप जितना भी बैकएंड में आपने डाल रखा होगा उसी के थ्रू आ जाएगा। और हम लोग यहाँ पे एक और चीज कर दें जिससे हमारा बैक बटन वगैरह लग जाएगा। तो बैक बटन के लिए हमें क्या करना होता है, ये करना पड़ता है, सेट डिस्प्ले होम आप इनेबल ट्रू कर दीजिए।
तो अगर आप ये चीज यहाँ पे लगा देते हैं तो आपका बैक बटन वर्क डिस्प्ले हो जाएगा, बट वर्किंग नहीं होगा। वर्क कराने के लिए आपको इस तरह से ये वाला ऑन सुपर नेविगेशन अप में ऑन बैक प्रेस ओवरराइट करना होगा, तो आपका वो बैक बटन काम भी करने लगेगा। ठीक है, अब ये रन कर गया होगा, वेट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने इसे फिर से रन करने में डाल दिया है और यस ये लॉन्च हो रहा है इंस्टॉलिंग के बाद। ठीक है, ये ऐप ओपन हो रहा है और हम देखेंगे कि अभी ये कैसा हमें दिखता है। तो सिनेमा पे आते हैं, कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, बॉलीवुड क्विज सेट 1। तो आप देखें ये बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पे एनिमेशन चल रहा है, ये बैक बटन भी आ गया, काम भी कर रहा है। क्विज सेट 2 है ना, आप चाहें तो यहाँ पे दे भी सकते हैं कि किस कैटेगरी का है। तो उसके लिए जैसे हमने यहाँ पे बना रखा है, ऊपर आइए, ये चीज है ना, कैटेगरी और सब कैटेगरी, आप यहाँ पे भी कर सकते हो। ये चीज यहाँ पे लगा दीजिए, तो हेडर फुटर में यहाँ पे सब कैटेगरी प्लस कर दीजिए चाहे, तो इससे ये हो जाएगा कि किस क्विज सेट का है। तो हालांकि यहाँ पे क्विज सेट आईडी ही आ रही है, तो छोड़ दीजिए, सिंपल इतना है, सफिशियंट है। और इसके बाद क्लिक बटन पे हमको यहाँ से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सेट ओपन करना होगा। तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे पेपर सेट पे हमने अभी ऑन नेविगेशन पे इंटेंट लिया था ना, इसी तरीके से यहाँ भी इंटेंट ले लेंगे। और अब हम चलेंगे अपने इस वाले पे, यहाँ पे हम अपना एग्जाम स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हमारा 100 क्वेश्चन है, ये तीनों पे काम कर रहा होगा, तीनों पे ही काम कर रहा होगा। तो हम लोग इसको ये ऐसे करते हैं क्योंकि ये तो कॉमन हो गया, और ये क्विज सेट क्विज क्वेश्चन टाइप से हमें कहाँ जाना है, क्विज सेट पे जाना है, और उसी पे हम लोग अपना टाइमर वगैरह लगाएंगे, क्विज सेट। ठीक है, ओके। क्विज आईडी पेपर, यहाँ पर हमें पेपर तो मिल रहा था, पेपर को ही तो हमें यहाँ शो करना था। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ पे कैटेगरी ले लें, और सब कैटेगरी जब लिया था तो प्लस इस तरह से ब्रेसेस लगा के और डबल ब्रैकेट देन सेपरेट करके हमने यूं लगा दिया, तो ये हमें दिख जाएगा कि मान लीजिए सब कैटेगरी हॉलीवुड का कोई सेट 1 है कि 2 है। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है कि पेपर है, तो पेपर को पेपर में पास कर दो, क्वेश्चन को क्वेश्चन में पास कर देंगे, क्विज आईडी को क्विज आईडी में पास कर देंगे, कैटेगरी कैटेगरी क्विज आईडी, क्विज आईडी क्विज आईडी क्विज आईडी में क्वेश्चंस है। ठीक है, क्विज आईडी को थोड़ा सा इसे भी क्विज आईडी ही कर देते हैं ना, कहीं यूज तो किया नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये कर दिया, आपका ये चीज चला गया, सही हो गया। क्वेश्चंस में क्वेश्चंस क्यों नहीं काम किया, क्योंकि ये है चीज क्वेश्चंस, और इसी को तो यहाँ देना है। ठीक है, अभी ये हो गया, अब हमको एक और चीज बतानी पड़ेगी कि टाइप क्या है ना, कि यहाँ पे जो हमने बनाया ये तो पुराने वाले डेटा भी हम ट्रांसफर कर रहे हैं, बट इन तीनों में से कौन से टाइप का अपने क्वेश्चंस आगे पेश कर रहे हैं, वो चीज समझने के लिए हमें यहाँ पे एक चीज बनानी पड़ेगी कि टाइप एग्जाम टाइप क्या है ना। तो एग्जाम टाइप निकालने के लिए हमको यहाँ पे इफ
कंडीशन बनानी पड़ेगी और व्यू डॉट आईडी व्यू डॉट गेट आईडी इक्वल टू अगर आर डॉट आईडी डॉट टेक्स्ट क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेते हैं स्ट्रिंग टाइप। तो टाइप में हम क्या दे देंगे टाइप इक्वल टू सिंपली यहाँ पे आप टेक्स्ट पास कर सकते हो टेक्स्ट। तो इसी तरीके से यहाँ पे एल्स और एक और कंडीशन नहीं तो तीसरी कंडीशन एल्स में चल जाएगी क्योंकि तीन ही है ऑप्शन। तो यहाँ पे इमेज और यहाँ पे क्या हो जाएगा मिक्स्ड मिक्स्ड ठीक है। और ये चीज आप चेंज करना ना भूलें क्योंकि आईडी डॉट इमेज क्वेश्चन ठीक है। और इस चीज को हम यहाँ पे टाइप में पास कर देंगे। तो अभी हम कहाँ पे आ जाएंगे क्विज सेट पे और आपका डेटा ये सारे डेटा हमको कहाँ मिल जाएंगे अपने क्विज सेट पे और इस पे हम नए डिजाइन बनाएंगे डेटा वगैरह को रीड करेंगे फिर कुछ काम किया जाएगा ठीक है। आज हमने देखा कि किस तरह से हम अपने क्विज कैटेगरी यानी कि क्वेश्चंस के टाइप क्रिएट कर सकते हैं इनको मैनेज कर सकते हैं। हाँ देन यहाँ से हमने नेविगेट कर दिया मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार रन करके क्योंकि टेस्टिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है ऐसा ना हो कि कोई एरर आ जाए। तो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है वेट कर लेते हैं जब तक ये इंस्टॉल होता है। जेनिमोशन हमारा स्टार्ट है ये इंस्टॉलिंग हो रही है जस्ट अभी ऐप रन करेगा और हम लोग देखेंगे कि इतना हमारा काम हो चुका है। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल हमारा बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है जिसमें हम लोग समझेंगे कि आई थिंक इसको फिर से रन करना पड़ेगा क्या ठीक है फिर से करके देख लेते हैं कोई इशू होगा। तो हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि वहां पे हम लोग अपने क्वेश्चन वगैरह को डिस्प्ले कराएंगे टाइमर का यूज करेंगे टाइमर वगैरह लगाएंगे। अभी ये ऐप हमारा रन कर गया है तो सिनेमा पे आते हैं ये हमारा कैटेगरी हुआ बॉलीवुड। अब हम कोई भी यहाँ से सब कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर हम इमेज क्वेश्चन को भी सेलेक्ट करते हैं तो देखिए हम फिर से वहां पे आ गए ठीक है ये हमारा अब परफेक्टली काम करने लगा है। अब इस वाले पे हम लोग टाइमर वगैरह लगाएंगे और अपने क्वेश्चंस को डिस्प्ले करेंगे क्वेश्चन सेट बनाएंगे कि कितने क्वेश्चन आने चाहिए किस कैटेगरी पे आना चाहिए वो सारी चीजें। तो ठीक है फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप लर्निंग गाइज एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।